माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि माननीय सदस्य जी का अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में प्रश्न पूछा गया है, बरपेटा क्षेत्र के अंतर्गत आपके क्षेत्र में 5 परियोजनाएं जो कि 1404 करोड़ की परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं, जो 98 किलोमीटर की हैं, 7 परियोजनाओं में काम चल रहा है, 71 किलोमीटर की हैं, 4204 किलोमीटर है। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा गया है जो कि डिब्रूगढ़ जोरहाट से संबंधित है, जो कि 194 किलोमीटर का है, 6100 करोड़ का ये योजना है, लगभग 112 किलोमीटर की जिस योजना का आप जिक्र कर रहे हैं, और उस योजना में आपके द्वारा बताया गया है कि काम में कमी है, काम में कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, क्योंकि और इसमें आपने लेट होना भी बताया है, और इसमें मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि लेट होने के कारण, चूँकि जब किसी रोड के चयन की प्रक्रिया के साथ भूमि अधिग्रहण से संबंधित होती है, वैधानिक मंजूरी में भी थोड़ा कष्ट समय लगता है, और उपयोगी सुविधाओं को जोड़ने में भी उसमें समस्या आती है, और ठेकेदार के द्वारा भी सारी व्यवस्थाओं को जुटाना पड़ता है। मैं माननीय सदस्य जी के द्वारा बताता हूँ कि अगर इसमें आपको कुछ और विशेष कुछ और आपको लगता है कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे मंत्रालय के द्वारा उसमें लगातार निगरानी की जा रही है, देखा जा रहा है कार्य को समय से पूरा करने, जो आगे समय दिया है उस पर पूर्ण करेंगे। सप्लीमेंट्री। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, इज देयर एनी प्रपोजल फॉर कन्वर्शन ऑफ बाईहाटा चारियालि टू मिशन चारियालि तेजपुर NH-15 to 4-lane? ऑनरेबल मंत्री जी, चूँकि मैंने माननीय सदस्य जी की जानकारी में लगभग उनके क्षेत्र में चलने वाली योजनाओं को उनको पत्र में दिया भी गया है, और ऐसा कोई प्रस्ताव, चूँकि एक विशेष रूट का उन्होंने जिक्र किया है कि इसको परिवर्तन करने का है, इस प्रकार से मेरे पास, हमारे मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर वो प्रस्ताव देंगे उस पर विचार करेंगे, अगर करना होगा तो मंत्रालय उस पर विचार करेंगे। DPR भी उसमें एक इनके प्रश्न के आधार पर जो आपने कहा है कि उसको प्रस्ताव को चेंज करने का, उसकी DPR भी विभाग मंत्रालय के द्वारा कार्रवाई पर है, गतिमान है। भजनलाल जाटव। मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के आपके मापदंड क्या हैं? हाँ, तो मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर 3 तीर्थ स्थल हैं, और मुंबई एक्सप्रेस वे से पिनान से लेके महुआ, महुआ से लेके करौली, और करौली से कैला देवी, आप राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का विचार रखते हैं क्या? आप सेकंड PWD मंत्री रहे हो ना, जानते हो कैसे घोषित होता है सर, मापदंड, इसलिए मापदंड पूछे मैंने। जी महोदय, माननीय अध्यक्ष हाँ बताएं कि माननीय सदस्य जी ने महाराष्ट्र से संबंधित प्रश्न पूछा है। महाराष्ट्र से संबंधित नहीं पूछा, अपने उन्होंने पूछा राष्ट्रीय राजमार्ग को घोषित करने की क्या नीति होती है। उन्होंने कुछ क्वेश्चन में ऐसा किया था, मगर उनको मैं राजस्थान के बारे में भी जानकारी, राजस्थान के बारे में नहीं पूछा उन्होंने, नहीं अपने लोकसभा के बारे में जानकारी ली है। अरे, और जो इन्होंने NH के बारे में पूछा है, मैं अभी उसका आंसर आपको, प्रश्न उन्होंने ये पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की क्या नीति होती है। महोदय, चूंकि जिस प्रकार से 2014 के अंदर माननीय अध्यक्ष जी लगभग 91,281 मोटर NH थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद 1,46,126 किलोमीटर NH बना है। क्वेश्चन नंबर 144। ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे से संबंधित, जो पटना से बिदुपुर, दलसिंह सराय, सिमरी, बख्तियारपुर, उदा किशनगंज, पूर्णिया तक जाएगी, इसके निर्माण के लिए पिछले लोकसभा में 17वीं लोकसभा में माननीय मंत्री जी आदरणीय गडकरी साहब से 18 मार्च 2021 को मिले थे, अंतोगत्वा इसकी मंजूरी उन्होंने दी, और पिछले बजट में उसके लिए राशि का भी प्रावधान किया गया। मैं दिल से और अपने क्षेत्र के लोग से के तरफ से उनको
कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इसमें मेरा प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न के जवाब में आया है कि इसके DPR तैयार करने के लिए परामर्शदाता को नियुक्त किया गया है, तो DPR तैयार करने के लिए 28/2/2023 को ही दिया गया था, तो हम माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि लंबा समय हो गया और एग्जैक्ट तिथि तो नहीं, अनुमानतः कितने दिन में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य जी ने जानकारी दी है कि पटना पूर्णिया मोटर मार्ग जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH और हमारे राज्य की राजमार्ग से स्टेट की जुड़ा हुआ है, और चूंकि ये NH में पूरे तरीके से बनने की जो DPR की प्रक्रिया के बारे में आपने बताया भी है, हमने प्रश्न के उत्तर में आपको दिया है कि कंसंट्रेट लगा दिया है, इसलिए DPR का काम चल रहा है और DPR का काम चलने के तुरंत बाद ही उस पर आगे की कार्रवाई कर दी जाएगी। ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न के खंड गह में NH 106 और 107 के कार्य होने में विलम्ब से संबंधित यह प्रश्न था। NH 107 जो पूर्णिया महेशखूट से सहरसा पूर्णिया तक जाती है, दो खंड में काम संवेदक को आवंटित किया गया था, और पहला खंड था महेशखूट से मधेपुरा, जिसके कार्य प्रारंभ 20/12/2019 में शुरू हुआ और उसको कार्य पूर्ण करना था पहले, लेकिन कई बार माननीय मंत्री से मिले थे तो अंतिम तिथि 24 मार्च की गई, लेकिन अभी भी उसमें 60% से अधिक काम नहीं हुआ। माननीय मंत्री, एक मिनट सर। बहुत लंबा क्यों पूछते हैं? नहीं, लंबा नहीं है। उसी में दूसरा खंड जो है मधेपुरा से पूर्णिया, उसका कार्य शुरू हुआ था 2018 में, उसको 2023 में पूरा होना चाहिए, वह नहीं हुआ, और इसी में NH 106 जो है उसका कार्य प्रारंभ हुआ 13/10/2016, लेकिन पूर्ण होना था 2019 को, लेकिन वह भी नहीं हो सका। तो हम माननीय मंत्री से यह निवेदन करना चाहते हैं कि प्राथमिकता में लेके, क्योंकि NH का काम जो होता है आदरणीय गडकरी साहब हवाई जहाज़ के स्पीड से उसको कराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो छोटा रीच का 2 NH है उसमें काफ़ी विलम्ब हो रहा है और काम नहीं हो रहा है, इसलिए कब तक इसको पूरा कराएंगे? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी के द्वारा चिंता की गई कि NH 106 जो कि वीरपुर से वीरहपुर तक है, और वो वास्तव में 2 प्रोजेक्ट हैं जो कि 106 वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड है, इसमें अपग्रेडेशन का कार्य हो रहा है और इसमें 2 लेन पैप्ड शोल्डर्स के साथ ये बनना है, और इसकी 780 करोड़ रुपए की इसमें लागत आनी है। आपने सही बोला कि ये थोड़ा लेट हुआ है, काम की देरी के कारण है। वर्तमान में उन सभी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है, 82% काम इसमें फर्स्ट फेज में कर लिया गया है, और इसको हम December 2024 में पूरा करेंगे फर्स्ट फेज का। सेकंड फेज का आपने पूछा है कि 106 दूसरा प्रोजेक्ट, उसमें एक 7 किलोमीटर का ब्रिज भी है कोसी नदी पे, और ये रोड पूरा अप्रोच रोड के साथ लगभग 30 किलोमीटर का है, इसमें भी थोड़ा लेट हुआ है, इसको भी हम अगस्त 2025 में पूरा कर लेंगे। आपने एक महेशकूट और पूर्णिया मोटर मार्ग का भी इसमें आपने क्योंकि लगातार क्वेश्चन किए हैं, तो वो क्वेश्चन माननीय अध्यक्ष जी मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि ये भी 90 किलोमीटर का NH है, ये 662 करोड़ रुपये का है, इसमें भी 2 वर्ष का समय दिया था, इसमें क्योंकि अब कार्य तेज गतिमान है 75% काम हो गया है, इसको भी हम 2025 में इसका फर्स्ट फेज कर लेंगे। सेकंड फेज में इसमें 88 किलोमीटर का है जो कि 280 करोड़ रुपए का था, इसमें भी अब कार्य में प्रगति है, इसका भी 73% काम हो गया है। आपने चूंकि इस रोड में 106 में ही जिक्र किया था कि माणिकपुर चौक वाला, क्योंकि इसी बीच का एक पोर्शन है, उसमें काम बीच में किसी कारण से उसका जो पुल बनना है, ब्रिज बनना है फ्लाईओवर का, उस फ्लाईओवर के काम को भी तेज गति दे दी है। आपने मधेपुरा पूर्णिया इसके जो प्रश्न के आपको मैं उत्तर में देना चाहता हूँ कि इसको मेरे पास जो जानकारी है उससे हम 2025 में पूरा करेंगे। श्रीमती संध्या राय।
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से बताना चाहती हूँ, NH-92 जो कि भिंड लोकसभा क्षेत्र की ये रोड लाइफ लाइन है और ये रोड कई वर्षों से सिंगल है, डबल नहीं बन पाई है। हालांकि केंद्र सरकार के माध्यम से रोड की 6 लाइन की स्वीकृति मिल गई है, DPR की भी स्वीकृति मिल गई है किसी कंपनी को, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगी, इस रोड पर शासन द्वारा 24 ब्लैक पॉइंट बनाए गए थे जो आए दिन हादसे का शिकार हुए हैं। मेरे क्षेत्रवासियों को कई दुर्घटनाओं से परिवार को क्षति पहुंची है और अभी 7 दिन के अंदर 3 बड़े हादसे हुए हैं जिनमें सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और कुछ असमय काल कवलित भी हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यही आग्रह निवेदन करती हूँ कि यह रोड जल्द से जल्द इस रोड पर काम चालू हो जिससे मेरे क्षेत्रवासियों को लाभ मिले। माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि सेकंड सबमिट आपका क्वेश्चन है, तो आपने जिक्र किया है कि ग्वालियर भिंड इटावा पोर्टर मार्ग का जो कि NH-719 है और इसमें 4 लेन का कुछ पार्ट है पहले से ही, इसकी जिसकी DPR पर काम चल रहा है और स्टडी ट्रैफिक के आधार पर मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूं कि इस पर हम DPR की कार्रवाई चल रही है, DPR की कार्रवाई करने के बाद ही इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 108 किलोमीटर का ये रोड है, DPR दिया गया है। श्री पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, मंत्री महोदय, आप 2025 में पूर्णिया टू सहरसा और 106 बीरपुर पर आपने, बीरपुर टू बीरपुर पर आपने कोसी पर एक बड़ी पुल बनाने की बात कही है। ये गडकरी साहब जब अगले बार 4 साल पहले जब गए थे मधेपुरा, वहाँ पर उन्होंने कई NH के की घोषणा की थी और हम सब लोग थे उसमें। लगातार अभी तक 4 साल पहले से लेकर के आज तक जितने NH की घोषणा, चाहे वो सहरसा टू सुपौल होते हुए, चाहे वो सुपौल पर कोसी पर ओवर ब्रिज का मामला हो, वो NH है जो सुपौल होते हुए अररिया को जोड़ता है, तो आपने एक बार ये मामला नहीं उठाया। हमारे सांसद जी ने इस बात का कई बार जिक्र किया, जैसे बैजनाथपुर में भी ओवर ब्रिज अभी तक वहाँ पर अधर में लटका हुआ है। तो लगातार जो प्रयास गडकरी साहब का रहा है वो निश्चित रूप से साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं और मैं उनके लगातार प्रयास को मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन बिहार की लगभग जो परियोजना है वो अधर में है, पैसे के अभाव के कारण है या एजेंसी के कारण है, इस पर गंभीरता से लेने की जरूरत है। और 25 के कितने 30 महीने तक आप पूर्णिया और बीरपुर टू बीरपुर और नई परियोजना जो नौगछिया से लेकर के रुपोली होते हुए है, कि क्या कोई नई योजना कोसी सीमांचल में नई NH लेने की कोई प्रावधान है? बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। चूंकि माननीय सदस्य जी के द्वारा एक दूसरे मार्ग का जिक्र किया गया है, मगर उसको भी मैं संज्ञान लेता हूं, उस पर भी हम देखेंगे। मगर जिस प्रकार से बिहार के अंदर भी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 56 है जिनकी टोटल लंबाई 6133 किलोमीटर है, जिनमें ओवर ब्रिज पुल भी बनाए गए हैं और मोटर रोड्स भी हैं, माननीय सदस्य जी का स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मुझे दे देंगे, उसका उत्तर आपको भिजवा दूंगा। कीर्ति आजाद जी, शॉर्ट में पूछना टाइम हो गया है। बहुत संक्षेप में मैं प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि ये प्रश्न बंगाल से भी संबंधित है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा, पिछले 10 सालों में पश्चिम बंगाल में कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई, कितनी पूरी हुई और कितनी अधूरी हैं। उसमें से मेरे क्षेत्र में NH-2 पूर्व बर्धमान से दुर्गापुर के एरिया में 1 साल से काम नहीं चल रहा है, और क्या मंत्री जी को पत्र मिले हैं चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी और किसानों की ओर से कि वहाँ पे PUP और व्हीकल अंडरपास की जो आवश्यकता है उसके ऊपर ध्यान दिया गया है? माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य जी के द्वारा दिया गया है कि क्योंकि ये 2 राज्यों को लेकर के 3 राज्यों को लेकर के क्वेश्चन था, मगर कुछ एक स्पेसिफिक रोड का जिक्र था। माननीय सदस्य जी, ये जो आपका रोड है आप मुझे उपलब्ध करा देंगे। वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल में लगभग 35 हमारे NH हैं, जिसमें लगभग 2 लेन, 4 लेन और 6 लेन के ऐसे
3910 किलोमीटर का एनएच का मोटर मार्ग है, और आपने एक्सीडेंट का ये जिक्र किया है, ये भी चूंकि अलग सब्जेक्ट है, ये मैंने आपको डिटेल करा दिया, और जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है आप मुझे उसको उपलब्ध करा देंगे, उसका आंसर भिजवा दें। अभय कुमार सिन्हा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। NH 139 जो पटना से चलकर पालीगंज अरवल होते हुए दौदनगर होते हुए औरंगाबाद और झारखंड बॉर्डर हरियरगंज को जोड़ती है, उसमें 4 लेन के लिए स्वीकृति उसकी मिली थी। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से ये आग्रह करना चाहूँगा, चूँकि हरियरगंज तक उधर झारखंड के इलाके में 4 लेन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, वल्ली बिहार के इलाके में पटना से हरियरगंज तक के 4 लेन का काम बाकी है। हमारी आग्रह होगी कि उसका जल्द से जल्द, उसकी DPR वगैरह सब कुछ सबमिट है, उसका जल्द से जल्द निर्माण कराने का कष्ट करें। और महोदय, एक आग्रह मैं और करना चाहूँगा कि किसी भी परियोजना में जो इतना विलम्ब होता है, 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, गया डोभी 4 लेन का काम 18 में पूर्ण होना था, फिर 2022 में पूर्ण होना था, और 3 संवेदकों के बीच गया डोभी 4 लेन को बांटा गया, वो भी अभी तक अपूर्ण है, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। ये देरी का कारण और इसका भार किस पर जाएगा? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से माननीय सदस्य जी के द्वारा बताया गया कि हरिहर झारखंड 4 लेन का काम चल रहा है, उसके काम की गति के साथ साथ आपने चिंता व्यक्त करी है, पटना वाले जिस काम की उसका आपने स्पेसिफिक जिक्र किया था, उसका DPR का काम चल रहा है, अलाइनमेंट फाइनल स्थिति में है, उसके आगे की कार्य पूरा कर दिया जाएगा। गया से संबंधित आपने एक प्रश्न किया है कि ये कार्य पूर्ण समय से पूर्ण नहीं हुआ है, ये बात कई जगह पर सच है, क्योंकि जब भी किसी नए मोटर मार्ग को बनाने की प्रक्रिया चालू होती है तो उसमें राज्य सरकार के सहयोग से भी उस मार्ग को बनाने की प्रक्रियाओं में, क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस है और जो लोकल गांव आते हैं, विलेजर्स आते हैं, उनके साथ भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में समय लगता है, और समय लगने के उपरांत ही मंत्रालय के पास जब DPR प्रस्तुत होती है तब पैसे की स्वीकृति होती है और तब टेंडरिंग और ये अन्य प्रकार की प्रोसेसिंग होती है, तो इसी कारण से समय लगता है, मगर समय बढ़ाने के साथ ही काम को पूर्ण करने की जिम्मेदारी भी मंत्रालय के द्वारा ली जाती है और उसको पूर्ण करने का आपने गया वाला भी बोला है, इसको भी, इस पर भी कार्य गतिमान है, समय से ये पूर्ण किया जाए। प्रश्नकाल समाप्त। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.